नमस्कार दोस्तों, वेट सीक्रेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन जानकारी आपको आप तक पहुँचती रहे। देखते हैं इसको क्या हुआ है। ये फीमेल पामेरियन डॉग है, इसने 2 से 3 दिन हुए हैं इसको बच्चा दिए हुए। अचानक से ये बीमार पड़ गई है। इसका जो टेम्परेचर आया है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आया है। ये देखिए आप, टेम्परेचर 105.8 इसका टेम्परेचर है, जो इंडिकेट करता है कि इसको बहुत ज़्यादा फीवर है। इसमें बहुत शिवरिंग हो रही है और पेंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सेलाइवेशन तो आपको दिख ही रहा होगा, इसको फ्रॉदी सेलाइवेशन हो रहा है। ये फ्रॉदी सेलाइवेशन इंडिकेट करता है कि इसने कुछ अटपटा खाया है। ये पॉइजनिंग का केस लग रहा है, कोई पॉइजनस चीज़ घर में पड़ी हुई हो, वो उसने खा ली हो, या फिर कुछ भी हो सकता है जो इसने खाया हो, जिससे इसको इतना ज़्यादा फ्रॉदी सेलाइवेशन होता है। फ्रॉदी सेलाइवेशन इंडिकेशन है कि इसको पॉइजनिंग हुई है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से ट्रीट किया है, किस तरह से इसको मैनेज किया गया है, क्या इसका उपचार किया गया है, ये सही होगी या नहीं होगी, इसका फॉलोअप वीडियो भी हम आपको लेके आएंगे आप लोगों के लिए। इसको जो टेम्परेचर है, इसको लगभग 106 के आसपास इसको मेंटेन करने के लिए इसमें नीमोसिलाइड प्लस पैरासीटामोल 0.5 ml दिया गया है। और साथ में इसको जो पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट 0.5 ml IM दिया गया है। और साथ ही इसको एसीलॉग, जो एसिडिटी के लिए रहता है एंटासिड, वो लगाया गया है। इसको लगभग 1 ml इसको दिया गया है और इसको एक और इंजेक्शन का यूज किया गया है, एंटीबायोटिक का इसमें हमने यूज किया है, सेफ्ट्राइजोन प्लस टेजोवेक्टम जो एंटीबायोटिक आती हैं उसको हमने इसमें यूज किया है। 250 mg इसको दिया गया है। देखते हैं इसमें किस तरह का रिजल्ट आता है। बहुत सीरियस कंडीशन है इस डॉग की, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसको टेम्परेचर के साथ साथ में इसको बहुत ज़्यादा फ्रॉदी सेलाइवेशन हो रहा है, ज़मीन पे आपको दिख रहा होगा, अभी आपको दिखेगा। ये टेम्परेचर देखिए, ये देखिए 105.8 टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही है। टेम्परेचर के साथ में ये झाग पड़ा हुआ है ज़मीन पे, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत सारा झाग ज़मीन पे है और इसके मुँह से भी बराबर झाग टपक रहा है। ये देखिए सेलाइवेशन, फ्रॉदी सेलाइवेशन है। इसका फॉलोअप वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, इसको किस तरह से कितना आराम मिला है ये आगे बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्त।